Welcome guys to my channel The Solo Cook. Today we are going to make the mango kulfi with just few ingredients. So let's get started. So आइए हम देखते हैं हमें कौन कौन से ingredients चाहिए. 1 liter दूध, 1 cup milk powder, ये optional है. अगर आपके पास milk powder नहीं है तो आप sugar use कर सकते हो. मेरे पास आज available है तो मैं ये use करूँगी. Chopped mango, alfonso mango है, इसे हम बीच में कुल्फी में चंक्स के तौर पे डालेंगे. इसका हम प्योरे बनाएंगे, सेम मैंगो है. और 1/2 cup शुगर, अगर हमें और चाहिएगा तो हम वो टेस्ट करके और डालेंगे, पर अभी के लिए 1/2 cup इनफ है. अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम दूध सब डाल लेंगे और इसको हम लोग जब तक ये मतलब 3/4 रहेगा तब तक हम इसे उबालते रहेंगे हिला हिला के बीच बीच में. तो जब तक दूध बॉयल हो रहा है तब तक हम मैंगो का प्योरी बना लेते हैं. प्योरी हम बिना पानी या बिना मिल्क ऐड किए बनाएंगे. तो हमारा प्योरी रेडी हो गया, एकदम मस्त स्मूथ सा. अब इसको हम लोग बाउल में निकाल लेते हैं. तो बस अब रेडी हो गया, इसे हम साइड रख देंगे. जब दूध गर्म हो जाएगा, सब प्रोसेस हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम ऐड करेंगे. अगर पहले हम इसे ऐड कर देंगे तब दूध फटने की चांसेस है, तो ये लास्ट में ऐड करेंगे. इसे हम लोग एक बार मिक्स कर देंगे. मलाई आए तो चलेगा, ये टेस्ट को और इनहेंस ही करेगा. बस हिलाते रहना ताकि ये नीचे चिपके ना बीच बीच में. अब हम फ्लेम लो कर देंगे, ये 20-30 मिनट्स बोल लीजिए, उतना टाइम लगेगा इसको, पर ये टाइम वर्थ है. जो रिज़ल्ट है ना इसका, ज़बरदस्त. मैं एक बार बना चुकी हूँ, मैं ये दूसरे टाइम है. पहले टाइम में मैंने मिल्क पाउडर यूज़ नहीं किया था, इस टाइम फर्स्ट टाइम मिल्क पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ. ओके, एक डिस्क्लेमर देना था मुझे कि ये सब कुल्फी एंड ऑल जितनी भी रेसिपी अपलोड हो चुकी है और अपलोड होने वाली है, वो मेरी खुद की रेसिपी नहीं है. मैंने भी कहीं देखा है उसको अपने फैमिली के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया है, और वो मॉडिफाई वर्जन मैं आपको दिखाती हूँ. तो मैं बोल रही थी कि ये रेसिपी मेरे फैमिली में हिट है, मेरी बेबी और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है. दे आर लवर ऑफ आइसक्रीम एंड स्पेशली मैंगो आइसक्रीम. एंड अब हमारा दूध 3/4 हो गया है. अब हम फ्लेम लो करके इसमें धीरे धीरे ऐसे हिलाते हिलाते मिल्क पाउडर ऐड करेंगे. अब इसे हम हिलाते रहेंगे फॉर अराउंड 5-10 मिनट्स लो फ्लेम पे. अब ये ऑलमोस्ट रेडी है. अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, पहले 1/2 cup ऐड करेंगे. हम टेस्ट कर लेते हैं. तो मैं अराउंड 1/4 cup और ऐड कर रही हूँ. तो टोटल इन टोटल मैंने 3/4 cup ऐड किया है शुगर, और इसको स्टर करेंगे फॉर 5 मिनट्स. फिर हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे एंड फैन के नीचे इसे हम बस बॉयल आ गया इसमें, और अब हम फ्लेम बंद कर देंगे. अब हम इसे हिलाकर देख लेंगे, देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है, एकदम थिक सा गाढ़ा गाढ़ा. अब हम लोग अपना मैंगो प्योरे इसमें ठंडे दूध में डालेंगे जो रूम टेम्परेचर में आ चुका है, एंड मिक्स करेंगे. मिक्स करने के बाद हम इसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे. ये देख रहे हैं आप, थोड़े थोड़े लम्स हैं, वो हैंड ब्लेंडर से सब ख़त्म हो जाएंगे. अब हम अपने मोल्ड्स, आपके पास जो भी मोल्ड्स अवेलेबल हो, जैसे मैंने मफिन मोल्ड्स यूज़ किए हैं, मेरी बेबी के कप, फिर घर में कटोरी, वो सब जो अवेलेबल थे, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, वो इजीली निकल सकते. तो हम सब फिल करेंगे. फिल करने के बाद हम सबके अंदर थोड़े थोड़े चंक्स भरेंगे मैंगो के. आप ऊपर भी रख सकते हो तो वो आपके जब आप खोलोगे तब आएगा बाहर की तरफ ही, एंड आप उसको थोड़ा डुबो भी सकते हो तो वो बीच बीच में भी फ्लेवर आ सकता है, जैसे आपको पसंद हो.
एंड ये चंक्स भरने के बाद हम फॉइल पेपर से इसे कवर कर देंगे ताकि पानी ना आए जब भी हम इसे फ्रीज करें। फॉर अटली हमें इसे फ्रीज करना है फॉर एटलीस्ट 10 to 12 hours, तो पानी ना आए इसलिए हम इसे फॉइल पेपर से कवर करेंगे। जब फॉइल पेपर से कवर हो जाए तब आप ऐसे नाइफ लीजिए, उसमें हल्का सा होल कीजिए एंड आपके पास जो स्टिक है उतने साइज़ का होल करके उसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए एंड फिर उसे फ्रीज कर दीजिए। फ्रीज़र में आप इसको ध्यान से रखिएगा कि कहीं स्पिल ना हो जाए एंड उसको आफ्टर 10 to 12 hours आप खा सकते हो। आपकी मैंगो कुल्फी रेडी है, इन्जॉय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द सोलो कुक। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। बाय।